कोरोना कोरोना ये कोरोना। कल इलाहाबाद वाली बुआ ने मुझसे फोन पे पूछा, बिटिया ये कैसन की रोना। मैंने कहा, बुआ इससे डरो ना, बस अपने घर में रहो ना, भीड़ से बचो और बार बार साबुन से हाथ धो ना। सर्दी जुकाम हो जाए तो उसका इलाज फौरन करो ना, और अगर किसी को हुआ हो तो उससे मिलने जुलने से बचो ना। नमस्कार, मैं एक्ट्रेस पूजा दीक्षित प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 22 मार्च 2020 को कल हो रहे जनता के लिए जनता द्वारा जनता कर्फ्यू का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ और आप सबको भी अनुरोध करती हूँ, क्योंकि हमें गर्व है भारतीय होने पे और अपने भारतीयता पर। देखिए, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है और काफ़ी नियंत्रण किया जा रहा है इस कोरोना वायरस से। चाहे वो नमस्कार करना हो, कपूर की पोटली पास रखनी हो, गोबर के कंडे जलाने हो या तुलसी के पौधे लगाने हो, सब लोग ये काम कर रहे हैं। जी हाँ, वही हमारी पुरानी संस्कृति दोहराई जा रही है हर जगह और काफ़ी नियंत्रण किया जा रहा है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि कल शाम 22 मार्च 2020 को शाम 5 बजे से लेके 5:05 तक ध्वनि प्रयोग जो किया जा रहा है, ताली बजाकर, थाली बजाकर, शंख नाद करके, घंट बजाकर और भी जिस तरह से आप कर सके, सब लोग मिलजुल कर जो भारतीय एकता है, जी हाँ, शांति से जैसे सत्याग्रह है ये एक कोरोना के खिलाफ, तो सब लोग मिलजुल कर उस सत्याग्रह में शामिल हों, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और कोरोना को हमारे भारत देश से क्या पूरे विश्व से दूर करें, क्योंकि मैं जानती हूँ इस प्रयोग के बाद सारे विश्व में ये प्रयोग अपनाए जाएंगे और भारतीय संस्कृति को नमन किया जाएगा।